विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा बुधवार को सुपेला स्थित श्री वेंकटेश्वर टॉकीज में एक धर्म विशेष का विज्ञापन चलाकर धर्मांतरण कराने का बढ़ावा देने आरोप लगाते हुए टॉकीज का घेराव कर सिनेमा घर के प्रबंधक और धर्मांतरण के खिलाफ नारेबाजी की गई। सिनेमा घर की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने मौके पर मौजूद भिलाई नगर CSP RK जोशी का ज्ञापन सौंपकर सिनेमा घर के प्रबंधक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। भारी विरोध के बीच सिनेमा घर मैनेजर सामने आए और लिखित में माफी मांगी और ऐसी गलती दोबारा नहीं करने का आश्वासन जताया, जिसके बाद घेराव समाप्त किया गया। पूरे मामले की जानकारी बजरंग दल के दुर्ग जिला संयोजक रवि निगम ने दी है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को अभी सूचना मिला कि वेंकटेश्वर टॉकीज में क्रिश्चियन समुदाय का प्रचारण किया जा रहा है। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज सभी हिंदू कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और वेंकटेश्वर टॉकीज में घेराव किया गया और CSP साहब को ज्ञापन सौंपा गया और चेतावनी दिया गया टॉकीज प्रबंधक को कि अगर दोबारा क्रिश्चियन मिशनरियों का अगर प्रचार प्रसारण किया जाता है तो आपके टॉकीज को बंद कराया जाएगा, जिसकी जवाबदारी स्वयं आपकी होगी। तो टॉकीज प्रबंधक ने हमसे माफ़ी मंगाई कि अगर आपसे आइंदा ऐसा दोबारा गलती होता है तो आप जो कार्रवाई करेंगे वो बाबत रहेगा।